टाइम नहीं है तो जाना इधर बताओ। देखिए आज 4 जून, आज 4 जून 2011 है। कल मैं फुर्सतगंज में था, वहाँ भंडारा वगैरह का कार्यक्रम था और वहीं हमारा तुलादान भी हुआ। बाबा मुरारी दास, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम बाबा और ब्रह्मचारी बाबा, कई बाबाओं ने मिल करके कल हमारा वहाँ के जो नागरिक हैं, जनता में सेठ लोग हैं, उन्होंने तुलादान किया। किसी ने फल से किया, किसी ने अनाज से किया, वो सब दान हमारा तौल करके वहीं फुर्सतगंज में बांट दिया गया। और आज 4 जून 2011 है। अभी मैं 10 मिनट के बाद मैं जा रहा हूँ वहाँ सुपरमार्केट, जहाँ बाबा रामदेव के ओर से आज लोग अनशन में बैठेंगे सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। अचानक इस फूल का निगाह पड़ गई तो हमने कहा इसको बनवा लें। ये मौसम में चेंजिंग है, देखिए मौसम का बदलाव। ये हमेशा मई में होता है, साल में एक बार खिलता है, जिसका नाम हमने मणिपुष्प दे रखा है। और बहुत से कई बार इसकी सीढ़ी बनी है। जब पूरा मई ख़त्म ये समझिए हो गया, पूरे मई में नहीं निकला, जबकि शुरू मई में निकलता था। एक हफ्ते इस फूल की आयु होती है मणिपुष्प का, और ये पूरा मई क्रॉस कर गया, अब ये जून में निकला है। ये मौसम का देखिए परिवर्तन, बदलाव, पेड़ पौधे पशु पक्षी हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। और हम लोग पर्यावरण के नाम से केवल नाटक करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक नमूना दिखा रहा हूँ, सारी जिंदगी लगाया है पर्यावरण पर। इतना कार्य पर्यावरण पर किस व्यक्ति ने अकेले दम से किया हो, साथ में पशु सेवा भी की हो, साथ में बंदर भोज भी किया हो, और साथ में गंगा जी के नाम से, बाबा जी के रामदेव के आह्वान पर एक दिन के लिए लोग बैठे, एक दिन के लिए, और मैं 49 दिन बैठा रहा, जब तक कि गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं हो गई। लेकिन अभी हमारी बाबा तक, उनके पदाधिकारियों ने हमको बाबा तक नहीं पहुंचाया। ना 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 ना, वो बिरलाधारी बाबा लोग हैं। इसी अब और बाबे का कहना है, रामदेव जी का कहना है, और मेरा भी यही कहना है। नार्को टेस्ट का ज़माना है, अब नार्को टेस्ट करवाइए, तब पता चलेगा कि आप कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े संत हैं। नार्को टेस्ट करवाइए, बाबा रामदेव जो आवाज़ उठाए हैं, एक दिन ये भी होगा कि नार्को टेस्ट के लिए कानून बन जाएगा। और जिस दिन नार्को टेस्ट का कानून बना, उसी दिन लगभग पुलिस विभाग और अदालत समाप्त, लगभग समाप्त हो जाएंगी, इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसे बाबा रामदेव की। हाँ अच्छा, दवाइयों के सामने। हाँ भाई जय हो। अरे भाई, वहाँ पहले से तो आप लोगों को मालूम था ही ना कि यहाँ